और जयपुर राइजिंग राजस्थान प्री समिट का आयोजन किया जा रहा है। आईटी एवं स्टार्टअप प्री समिट का आयोजन हो रहा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निवेश करारों पर आज हस्ताक्षर होंगे। होटल आईटीसी राजपुताना में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वहीं डिजिटल राजस्थान यात्रा को रवाना किया गया, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो प्रदेश 7 संभागों में डिजिटल रथ यात्रा जाएगी, आधुनिक प्रौद्योगिकी के जन जन तक पहुंचने की कवायद है। लेवरेज कर सकते हैं और दोस्त विल स्टार्ट कमिंग इनटू प्ले वेरी वेरी फास्ट। और आपको कैसे बदलना है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, जैसे इंडस्ट्री 4.0 के मानक आ चुके हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के मानक आ चुके हैं, आईओटी के मानक आ चुके हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेसिकली गोइंग टुवर्ड्स बिल्डिंग बेटर इंडिया, बेटर ग्रोइंग इंडिया। और इसके अंदर मेरे को पूरा भरोसा है कि राजस्थान के अंदर जितना इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसीज और आईटी एंड स्टार्टअप्स के अराउंड की जो पॉलिसीज है वो कंट्री में बेसिकली बेस्ट होंगी, मेरा मानना यह है। तो मैं इसी नोट के साथ सीआईआई डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन एंड गवर्नमेंट राजस्थान के बिहाफ पे क्लोज करना चाहूंगा कि आप सभी लोग 9 से 11 दिसंबर जरूर पधारें और यहाँ पे जो भी चीजें होने वाली हैं उसके अंदर आप हिस्सा लें और राज्य के उसमें ग्रोथ के अंदर योगदान दें। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जैन जी। और पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, प्री समिट का आयोजन यहां पर किया जा रहा है, आज कई एमओयू साइन भी किए जाने हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल, ये आईटी विभाग की प्री समिट है, मैं कई एमओयू साइन होंगे, स्टार्टअप के बारे में बताया जाएंगे। और अभी आपने कुछ देर पहले एक तस्वीर देखने को मिली जब आईटी मिनिस्टर राजनाथ सिंह राठौर ने डिजिटल राजस्थान यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो प्रदेश में आईटी को लेकर जागरूक करेगा, तमाम जो स्टार्टअप आ रहे हैं उनको लेकर जागरूक करेगा। और अब फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं प्री समिट राइजिंग राजस्थान की आप देख रहे हैं, इसमें जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई तमाम एमओयू होंगी, साथ ही कैसे राजस्थान को टेक्निक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर चर्चा होगी। फिलहाल थोड़ी देर में आईटी मिनिस्टर राजवर्धन सिंह राठौर का भी संबोधन रहेगा। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कब तक पहुंच सकते हैं लाल सिंह? देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन ये कह नहीं सकते कब तक, अभी वहाँ से ऑफिशियल नहीं आया है सीएम कब तक आएंगे, उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। चलिए, शुक्रिया आपका लाल सिंह फौजदार अधिक जानकारी देने के लिए। देखिए, राइजिंग राजस्थान, आई ऑल्सो वेलकम डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, डेलीगेट्स of officers of the IT and Communication Department and Science and Technology Department and my friends from the media. This event is a significant step in our journey towards building a digitally and technologically powered, inclusive and future-ready Rajasthan. As we explore the theme, Repeat, Responsible, Ready, it perfectly encapsulates the essence of Rajasthan's journey towards an empowered future. It is a vision that ensures we are not only ready for tomorrow, but we are building today with responsibility and abundant opportunity for all. As a department, our focus is on digital transformation, innovation, and sustainable development to propel Rajasthan into a forefront of India's development. The proactive initiatives by the state government have created one of the most supportive ecosystems for entrepreneurs in India. iStart Rajasthan by the Department of IT and Communication has been instrumental in fostering innovation by providing incubation, mentorship, funding and investor connection. Under this initiative, the government has established key infrastructure such as Bhamashah Techno Hub, iStart Nest at the divisional headquarters and district incubators across all districts of Rajasthan. We have registered over 5,000 startups and invested more than 9